तो हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा रैपचिक एप्लीकेशन के बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट करके, यानी 15 सेकंड से 30 सेकंड से 1 मिनट तक का आप वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे आप टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे या स्नैक पे वीडियो बनाते थे, ऐसे यहाँ पे वीडियो बना के और वीडियो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो और उसके साथ साथ पैसे भी अर्निंग कर सकते हो। और इसी वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर जो आपका, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन में आप देखे होंगे स्नैक वीडियो में या टिकटॉक वीडियो में कि वेरीफाई क्रिएटर का जो टैग लगता है, ठीक है, तो वो भी इसमें बताऊंगा, ठीक है, कि वेरीफाई क्रिएटर का यहाँ पे टैग कैसे लगा सकते हो अपने खुद से, ठीक है। और मेरे भी आईडी पे यहाँ पे वेरीफाइड क्रिएटर का टैग लग गया है, ठीक है। तो इस वीडियो को ए टू जेड पूरा देखते रहना, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा अभी स्नैक वीडियो पूरी तरीके से इंडिया में बैन कर दिया गया है, ठीक है। और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वेल का आइकन दबा देना, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप सबको मिलेगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख रहे हो, मैं आगे मोबाइल के स्क्रीन पे आने के बाद से हम डायरेक्ट प्ले स्टोर ओपन करेंगे और वहां पे सर्च करेंगे रैपचिक, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे रैपचिक, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लोगो करके आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दे दिया हूँ, वहां पर आप क्लिक करके सैंपल डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद से यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो हम सैंपल ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद से आपका क्या होगा कि यहाँ पे आईडी क्रिएट करना होता है, ठीक है। तो आपको प्रोफाइल पे मी के ऑप्शन पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको क्या होता है, यहां पे दो ऑप्शन आपको दिया जाता है, एक फेसबुक से और सेकंड गूगल से। यहां पे दो चीज से आप लॉगिंग कर सकते हो आईडी को, ठीक है। तो हम गूगल पे क्लिक करके हम गूगल से लॉगिंग कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिंग कर लेंगे तो डायरेक्ट होम पेज पे आ जाएंगे। जैसे आपको टिकटॉक या स्नैक वीडियो में ऐसे होम पेज चलता था, आप किसी को लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो या कमेंट वगैरह कर सकते हो, तो यहां से आप सिंपल सेम वैसे ही यहां पे भी आप कर सकते हो। करने के बाद से यहां पे जो भी यूजर इनको लाइक करना या फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में दिया किसी के आईडी सर्च करने के लिए, किसी के आईडी सर्च कर सकते हो। सेकंड में आपको यहाँ पे कुछ बैनर दिया है, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद से यहाँ पे आपका कुछ टैग, वायरल जो टैग होता है, ठीक है, वो दिया है। जैसे यहाँ पे एक टैग है, दो टैग है, यहाँ पे बहुत सारा टैग आपको मिल जाएगा। तो इस पर अगर जो आप इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाते हो तो ज़्यादा वायरल होने का ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिया है, ठीक है, तो प्लस के आइकन पे क्या करना है, यहाँ प्लस का आइकन दिया है, प्लस का आइकन पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, कैमरा ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आप वीडियो जैसे आप अदरवाइज एप्लीकेशन में शूट करते थे, ऐसे यहाँ पे आप वीडियो शूट कर सकते हो। और शूट करने के बाद से यहाँ पे 15 सेकंड दिया है, 60 सेकंड दिया है, यानी 15 सेकंड से 1 मिनट के अंदर में यहाँ पे वीडियो पोस्ट कर सकते हो। अगर यहाँ से शूट नहीं करना चाहते हो तो एल्बम से चाहते हो तो एल्बम पे क्लिक करके और यहाँ से जो भी वीडियो आप रखे हो, ठीक है, तो वो वीडियो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और सेलेक्ट करके यहाँ पे सिंपल पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप पोस्ट कर लेते हो वीडियो, ठीक है, तो आपका ये वीडियो पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे इनबॉक्स का ऑप्शन दिया है, ठीक है, जो भी आपका वीडियो वॉच करता है, जो भी आप वीडियो पोस्ट किए तो जो भी आपका वीडियो वॉच करता है वो यहाँ पे आ जाएगा, या कोई आपका वीडियो मतलब लाइक करता है, कमेंट करता है या आपको फॉलो करता है तो सब चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा, ठीक है। उसके बाद से ऊपर देखना एरो का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ये प्राइवेट मैसेज का होता है। अगर जो किसी के पास आप मैसेज करना चाहते हो तो यहाँ से आप प्राइवेट मैसेज उनको कर सकते हो। इसके बाद से हम लास्ट में चलते हैं प्रोफाइल का ऑप्शन पर। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा आईडी वेरीफाइड हो गया है, ठीक है, तो उसी तरीके से आपका भी आईडी वेरीफाइड हो गया। जैसे ऊपर आप देख सकते हो ब्लूटिक, अगर जो हम फोटो भी क्लिक करके दिखा दें तो आप लोग सोचोगे कि फोटो लगाए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे हम बैक कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ब्लूटिक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे मिल गया। इसका आगे कंडीशन मैं बता दूंगा कि क्या कंडीशन है इसका ब्लूटिक, अगर जो आप भी आईडी वेरीफाइड करना चाहते हो तो कैसे वेरीफाइड होगा। उसके बाद से आपको ऊपर नाम वगैरह दिख जाएगा और यहाँ पे यूजर आईडी दिख जाएगा, उसके बाद कितने फॉलो हैं, कितने फॉलोअर्स हैं ये दिख जाएगा, कितना हार्ट मिला है मतलब कितने को लाइक किए हो, लाइक मिला ये चीज़ दिख जाएगा। आप जितना वीडियो डाले हो तो यहाँ पे आपका, मैं चार वीडियो डाला हूँ, ठीक है, तो चार वीडियो यहाँ पे मेरा दिख रहा है। यहाँ पे लाइक अनलाइक मतलब जो भी होता है वो सब चीज़ प्रोसेस सेम टिकटॉक जैसे है, ठीक है। उसके बाद से आपका यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन दिया है, ठीक है, थ्री डॉट पे आप प्रोफाइल मैनेज कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो, ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूं कि आपको अगर जो ब्लू ट्रिक चाहिए, ये आईडी वेरीफाइड करना है, ठीक है, तो वो कैसे आईडी वेरीफाइड होगा, उसका कंडीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले
अगर जो आप आईडी वेरीफाइड करना चाहते हो तो इसमें कंडीशन क्या है कि आपका मैक्सिमम अगर जो इंस्टाग्राम पे या अगर जो आप यूट्यूबर हो तो मैक्सिमम 10,000 सब्सक्राइबर होगा फिर आईडी वेरीफाइड होगा, या आप इंस्टाग्राम पे अगर जो हो ठीक है तो उसमें आपका 10,000 मतलब फॉलोअर्स होंगे फिर आईडी वेरीफाइड होगा, यानी किसी सोशल नेटवर्क पे आपका मैक्सिमम 10,000 फॉलोअर्स होना चाहिए तभी आप आईडी वेरीफाइड कर सकते हो। ठीक है, अगर जो इतना है तो वेरीफाइड करने का प्रोसेस बता देता हूँ। आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है, ठीक है, 3 डॉट पर क्लिक करके और यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, सबसे ऊपर यहाँ पे रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो आपका डायरेक्ट यूजर नेम यहाँ पे शो कर देगा और यहाँ पे आपका फुल नेम ऑटोमेटिकली शो कर देगा, या नहीं है तो आप ओरिजिनल यहाँ पे अपना फुल नेम लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे च्वाइस फाइल का ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करके आप अपना एक आईडी कार्ड का फोटो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इस चीज का मतलब आप किसी एक आईडी का फोटो यहां पे च्वाइस कर सकते हो। और करने के बाद से यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर दो। जैसे आप सेंड पे क्लिक कर दोगे तो सेंड पे क्लिक करने के बाद से क्या होता है कि आपको अपने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, और ये प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट आपको मतलब अपने एजेंसी वगैरह को, इसमें भी एजेंसी ज्वाइन होता है, एजेंसी वगैरह को भेज देना है। आपको नहीं मालूम है कि एजेंसी कौन है, ठीक है, तो मुझे डिस्क्रिप्शन में आपका इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हो। ठीक है, आपका आईडी वेरीफाइड कराना है तो मैं वेरीफाइड करा दूंगा, या एजेंसी से ज्वाइन कराना है तो हम ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, या हो सकता है तो एजेंसी का मैं लिंक यहां पे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस यही है कि आप डायरेक्ट मतलब कैसे यूज करना है और कैसे मतलब इसको आईडी वेरिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं आने वाली कल की वीडियो में बता दूंगा इसका सैलरी शीट क्या है, क्या इसका कंडीशन है, कितना आप वीडियो डालोगे तो आपका कितना सैलरी मैक्सिमम दिया जाता है, इसके बारे में मैं सब कुछ अगले वीडियो में मैं बता दूंगा। तो बस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर देना।